क्रिकेट के इतिहास में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जो पिछले 94 सालों से अटूट बना हुआ है। इस रिकॉर्ड के करीब भी कोई महान क्रिकेटर नहीं पहुंच सका है। यह रिकॉर्ड अपने आप में एक मिसाल और क्रिकेट के चाहने वालों के लिए गर्व की बात है। यह रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रन बनाने का, लेकिन यह रिकॉर्ड किसी वनडे या T20 मैच का नहीं बल्कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच का है। 1926 में इंग्लैंड के क्रिकेटर आर्थर कॉलिंस ने एक पारी में 628 रन बनाकर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अविश्वसनीय पारी के दौरान 70 चौके और 4 छक्के लगाए थे। यह रिकॉर्ड पारी क्लार्क हाउस क्रिकेट ग्राउंड विस्टल में खेली गई थी। कॉलिंस ने यह रन जूनियर स्कूल के लिए खेलते हुए बनाए हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि इस रिकॉर्ड से क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। बता दें कि आर्थर कॉलिंस ने यह रिकॉर्ड 4 जुलाई 1926 को बनाया था। यह रिकॉर्ड तब से आज तक कायम है और किसी भी क्रिकेटर ने इसे तोड़ने में सफलता हासिल नहीं की है। इस रिकॉर्ड पारी में उन्होंने लगातार रन बनाए और किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। विभिन्न युगों में कई महान क्रिकेटरों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी 628 रनों के आंकड़े को पार नहीं किया। जॉन ब्रेडमैन, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज भी इस रिकॉर्ड के करीब नहीं पहुंच सके। इन क्रिकेटरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाए, लेकिन आर्थर कॉलिंस का यह फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अब भी अटूट है। क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थर कॉलिंस का यह रिकॉर्ड भविष्य में भी कायम रह सकता है। आज के क्रिकेट में तेजी से रन बनाना और शतक लगाना सामान्य हो गया है, लेकिन 628 रनों की पारी खेलना अब भी असंभव सा लगता है। आर्थर कॉलिंस का 94 साल पुराना यह वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साबित करता है कि क्रिकेट में किसी भी चीज को हासिल करना संभव है अगर खिलाड़ी के पास दृढ़ संकल्प और हुनर हो। इस रिकॉर्ड ने आर्थर कॉलिंस को क्रिकेट इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है और यह आने वाले कई वर्षों तक क्रिकेट प्रेमियों को प्रेरित करता रहेगा।